हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक बड़ी साइज़ का शॉपिंग बैग बनाना बताऊंगी और इसे बनाना भी बहुत आसान होगा, घर के कपड़े से बनाएंगे। किसी ने मुझसे कहा था कि जिप लगाना बता दीजिए, तो यहाँ पर हम उसे भी कवर करेंगे। जिप लगाने का एक बहुत ईजी मैथड इसमें शेयर करूँगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक क्विल्टेड पीस, जिसमें प्लास्टिक लगा करके उसे मैंने सेम प्रोसेस से क्विल्ट कर लिया जैसे मैंने पहले बताया था। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लीजिए। यहाँ पर मैं इसका मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। तो ये 21 इंच चौड़ाई में है और लंबाई में 39 इंच है, तो आप इससे छोटा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर काफ़ी बड़े साइज़ का बैग बना रही हूँ। इसे हम डबल फोल्ड करके इसे बीचों बीच कट कर देंगे 2 पार्ट्स में, कुछ इस तरीके से। और अब हम एक पीस लेंगे, उसे डबल फोल्ड करना है हमें, जैसा वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। अब हम बैग को शेप देंगे कुछ इस तरीके से। आप कैसा भी शेप में बैग को बना सकते हैं। इसकी कटिंग कर लीजिए। तो एक तरफ से मैंने शेप दिया था, उसे कटिंग कर लिया। अब इसे हम डबल फोल्ड करेंगे, दूसरी तरफ रखेंगे, पिन अप कर देंगे साइड में ताकि कपड़ा खिसके नहीं, और कटिंग कर लेंगे। तो मेरा कुछ इस तरीके से इसका शेप आ जाएगा। सेम हम दूसरे पर रख करके उसकी भी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर मेरा दोनों पीस रेडी हो चुका है। अब एक पीस को ले लीजिए। सबसे पहले हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो साइड से 3 इंच पे मार्किंग कीजिए दोनों तरफ पे, एकदम इक्वली आपको लेनी है। तो 3-3 इंच पे मार्किंग कर देंगे। ऊपर से हम 2 इंच पे डाउन जाएंगे, देखिए इस तरीके से, साइड से 3 इंच और ऊपर से 2 इंच पर। सेम कपड़े से मैंने 2 बेल्ट सिलाई करके रखा है। तो बेल्ट की लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर बेल्ट की लंबाई है 23 इंच। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट कैसे लगाना है। तो जो 2 इंच का हमने मार्किंग रखा था उसके साइड पे एकदम आपको इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा लेना है। एकदम उसी जहाँ पर 2 इंच आपका मार्किंग आएगा आपको वहीं पर रखनी है, देखिए, और वहाँ पर इस तरीके से अटैच कर लेना है। फिर इसे पलट देना है और 1 इंच पे मार्किंग कर लेना है हैंडल पर, और इसे भी हमें अच्छे तरीके से सिलाई कर लेनी है। हम इसे सिलाई कर लेंगे और क्रॉस में भी सिलाई करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसे क्रॉस में भी सिलाई कर लिया है। अच्छे से हैंडल अटैच हो गया है। सेम हम दूसरे में भी कर लेंगे। यहाँ पर हमारा दोनों पीस तैयार है बिल्कुल। तो अब हम इसमें लगाएंगे पाइपिंग ऊपर की तरफ। पाइपिंग तो आपने पता ही है कैसे लगाना है। एक कपड़े का टुकड़ा लेंगे, उसे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हुए सिंपल सी सिलाई लगा लेंगे पूरे में। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और वापस से उसे मोड़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम कॉर्नर को फिनिश करेंगे, तो देखिए कुछ इस तरीके से, जिससे हमारा रफ एजेस नहीं दिखेगा बैक का। और ऐसे हम इसे मोड़ते हुए इस पर वापस से हम एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैं काफ़ी बड़े साइज़ का शॉपिंग बैग बना रही हूँ। आप चाहो तो सेम मेथड से छोटा भी बना सकते हो, पर्स टाइप का, थैली टाइप का। तो यहाँ पर देखिए पाइपिंग अच्छे से अटैच हो गई है फिनिशिंग के साथ। ऐसे ही हम दूसरे में भी कर लेंगे। तो यहाँ दोनों हमारा पीस रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक बड़ी सी पीस लेंगे साइड के लिए। साइड में कपड़ा हमें ऐड करना है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 53x8 इंच है। इसे मैंने दोनों तरफ से सिलाई करके फिनिश कर रखा है। इसे डबल फोल्ड करेंगे और इसका मिडिल पार्ट हम निकाल लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसे मैंने मार्किंग कर लिया है। सेम ऐसे ही बैक का एक पीस लेंगे और उसका भी हम मिडिल पार्ट इस तरीके से निकाल लेंगे उल्टे तरफ। और अब इसे रखना है और दोनों का मिडिल पोर्शन मिलाना है, देखिए, और उसे पिन अप कर लेना है जहाँ तक ये आएगा। तो इसे घुमाते हुए आपको पिन्स लगा लेने हैं। पिंस लगाने से ये होता है कि कपड़ा खिसकता नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक है तो कपड़ा काफ़ी खिसकता है, और आप आराम से फिर इसमें सिलाई लगा पाते हैं पिंस लगाने के बाद। तो देखिए पिंस लगाने के बाद मैंने इसमें सीधी सिलाई लगाना शुरू कर दी है। बस इसे घुमाते जाइए और एक सिलाई लगा लीजिए अच्छे से कॉर्नर पर, ठीक है। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब ऐसे ही सेम हम दूसरे में भी अटैच करेंगे। क्या करना है देखिए, दूसरे को रखना है, उसका भी मिडिल पार्ट हमने निकाल लिया है। तो मिडिल से मिडिल पार्ट को मिलाएंगे कपड़े का, इसे भी फिर हम पिन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। बनाना बहुत ईजी है इस बैग को, और बना करके ज़रूर एक होना ही चाहिए घर में,
बड़े साइज का है तो आपके महीने भर का राशन इसमें आराम से आ जाएगा। और इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे सीधा सीधा जैसा हमने पहले लगाया था। अब हमारा हैंडल अटैच हो गया है, साइड का कपड़ा अटैच हो गया है, तो अब हम इसे रफ एजेस को फिनिश करने के लिए पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पाइपिंग के लिए पहले पूरा गोल घुमाते हुए इसका मेजरमेंट लेंगे, एक किनारे से स्टार्ट करके दूसरे किनारे तक जाएंगे। ये आ रहा है 56.5, इसमें हम 2 इंच बढ़ा करके लेंगे क्योंकि हमें साइड भी फिनिश करने होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास उतना लंबा स्ट्रिप नहीं था, मैंने जोड़ जोड़ के इसे बना लिया है और ये 3 इंच के लगभग स्ट्रिप ली है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इसे रखना है और देखिए साइड्स में सिलाई लगा लेनी है। जैसा हम पाइपिंग अटैच करते हैं सेम उसी तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर एक साइड तो हमारा लग गया है, अब इसे क्या करेंगे हम दूसरे तरफ को फोल्ड करेंगे। देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनता है, दूसरे तरफ को आपको फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से। और फिर इसमें कॉर्नर कैसे बनाना वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो जो हमने 1-1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा निकाला था उसी से हम इसमें कॉर्नर बनाएंगे। पहले ऐसे इस तरीके से इसे मोड़ना है, ऊपर से साइड से मोड़ना है, फिर डबल फोल्ड कर देना है और बस इस पर आपको सिलाई लगा लेनी है पूरे पर। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा के भी आपको दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें करना है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा और फिनिशिंग लुक आता है। एक सिलाई मैं और लगाऊंगी यहाँ साइड पर। तो यहाँ पर मेरा देखिए पाइपिंग अटैच हो चुका है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो अब चलिए इसमें हम जिप लगाते हैं। तो जिप लगाने के लिए सबसे पहले हम इसकी माप ले लेंगे। तो ये आ रहा है 12 इंच और जिप हम लेंगे 4 इंच एक्स्ट्रा, 16 इंच लेंगे। देखिए 16 इंच का मैंने जिपर ले लिया है। जिपर का जो उभरा वाला पार्ट होता है वो सीधा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हैंडल को अंदर कर दीजिए ताकि वो सिलाई ना हो जाए। तो जिपर का जो सीधा साइड है उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरीके से पिन लगा लीजिए नीचे वाले में, ठीक है। ऊपर का जिपर को आप खोल लेना है और जैसा हमने यहाँ से उठाया था खोला था वैसे ही सेम वहाँ पर आपको रख करके पिन लगा लेने। अभी मैं आपको क्लोजअप में भी दिखाऊंगी, आप समझ जाएंगे। तो चलिए इस पर अब हम सिलाई लगा लेते हैं। पिन्स को खोलते जाइए और इस पर सीधी सिलाई लगा लीजिए। रनर जो हम अटैच करते हैं जिपर में, जिपर का मुंह जो है ऊपर की तरफ होना चाहिए दोनों तरफ का। अब आपको शायद समझ में आ जाए कि मैं क्या बता रही हूँ। तो देखिए दोनों तरफ का हमने अटैच कर लिया है। अब नीचे में एकदम साइड में मैंने एक और सिलाई लगाई है और ये बढ़िया से अटैच हो चुका है। तो अब इसमें रनर डालने का एक बहुत ईजी तरीका है जो मैं बता रही हूँ। हल्की सी कटिंग करके सामने से जिप का थोड़ा सा तार निकाल लीजिए कुछ इस तरीके से और फिर हम इसमें जो रनर होता है रनर को इस तरीके से आपको डालना है। बहुत ईजी मेथड है, इसमें रनर नहीं लगने का कोई सवाल ही नहीं है, बहुत आराम से अटैच हो जाता है। जब दूसरे तरफ से तार इस तरीके से निकल आए तो बस उसे पकड़ के खींच लीजिए, देखिए ऐसे। अब यहाँ पर रनर अटैच हो चुका है अच्छे तरीके से। तो इसे चेन को हम पूरा बंद कर लेंगे एक बार, वापस से फिर आप इसे इंसर्ट कर लीजिए। जिपर के दोनों साइड को अब हमें फिनिश करना है। तो कपड़े का छोटा टुकड़ा ले लेंगे 2x3 इंच का और यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। जैसे हम पाइपिंग अटैच करते हैं सेम वही तरीका है यहाँ पर। जिपर को फिनिश करने के और भी मेथड है लेकिन ये सबसे ज़्यादा इजी मुझे लगता है, तो यही मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है आपको भी सेम वही फोल्डिंग मेथड यूज़ करना है और बस उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई चारों तरफ से लगाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से बैठ जाए और देखने में भी अच्छी लगे, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरी सिलाई भी लग गई है और देखिए ये अटैच हो गया है। सेम हम ऐसे ही दोनों तरफ कर देंगे। तो यहाँ मेरा बैग बनकर हो गया है तैयार, काफ़ी अच्छा खासा बड़े साइज़ का बना है, बेस भी काफ़ी इसका चौड़ा है और ये काफ़ी अच्छा लुक भी दे रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट मुझे आपके लिए क्या बनाना है वो भी कमेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।